आप सब कैसे हैं? आज हम बताएंगे आपको जो नेक्स्ट यूनिट 7.3.7 है, इसका वीडियो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए 3.7 का पार्ट फर्स्ट हम इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये आपको पार्ट सेकेंड हम यहाँ बता रहे हैं। पार्ट फर्स्ट का जो है इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रॉब्लम प्लस थ्योरी। इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 तक हुए पिछले वीडियो में हम क्लियर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ हम डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन करने से पहले जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और शिक्षा को हमेशा आगे बढ़ाते रहें और जीवन में बहुत कामयाबी हासिल कीजिए। यहाँ देखिए समीकरण 5x - y = 5 दिया हुआ है, 3x - y = 3 दिया हुआ है, को ग्राफ खींचिए। इन दोनों का क्या खींचना है? आपको ग्राफ खींचना है। समीकरण 2 दिया हुआ है और कह रहा है इन रेखाओं यानी कि इन दोनों के जो ग्राफ के द्वारा जो है ना वाई एक्सिस के साथ यानी कि वाई एक्स के साथ जो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात के त्रिभुज के शीर्ष का भी आपको निर्देशांक ज्ञात करना है और इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को जैसे यहाँ आ जाएगा एक्स, मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको जो x2 y2 मानेंगे और ये होता है x3 y3। ये पढ़ने के लिए खासकर आपको मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़िएगा ना यूनिट 7, इसी 10th क्लास का यूनिट 7 यदि आप पढ़िएगा 7.1, उसमें आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें निर्देशांक ज्यामिति इसके बारे में पढ़ने के लिए है। लेकिन आज यहाँ जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी फार्मूला से निकालेंगे, तो यहाँ भी आप देख लीजिएगा जो आगे बहुत आपको आसानी और से समझ में आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन चलते हैं, भले तो दिया हुआ इक्वेशन जो है उसको लिखते हैं। दिया हुआ इक्वेशन देखिए आपको है 5x - y = 5, ठीक, 5x - y = 5, 3x - y = 3। इसको हम समीकरण 1 और 2 से पहले तो हम क्या करेंगे डाटा निकाल लेते हैं ग्राफ खींचने के लिए। पहले हम डाटा निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए समीकरण 1 से डाटा निकाले हैं, 5x - y = 5 आ गया, उसके बाद -y = 5 - 5x आ गया और यहाँ हम लिख सकते हैं y = 5x - y, यानी कि माइनस कॉमन लेकर दोनों का माइनस क्या कर दिए हैं हटा दिए। यहाँ देखिए -y = इन दोनों में माइनस यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं -5 और +5x, क्योंकि इस माइनस से देखिए गुणा कीजिएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी ऊपर वाला मान आ गया ना। तो अब इन दोनों निगेटिव को हटा के अब वाई बराबर हम लिख सकते हैं 5x को पहले लिख दिए हैं और -5 को बाद में, ये हम क्रिया यहाँ पे किए हैं, समझ गए। और यहाँ देखिए अब x का मान 0 रखिए तो y का मान क्या आ जाएगा -5 और x का मान 1 रखिएगा तो y का मान 0। ये आ गया हमको प्रथम डाटा समीकरण 1 से। इसी तरह समीकरण 2 से निकालते हैं। देखिए समीकरण 2 से देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको समीकरण 2 से 3x - y = 3, अब -y = 3 - 3x, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3x - 3 आ जाएगा तो x और y, ये आ जाएगा आपको x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -3 और x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 0। इसमें मान रखिएगा जैसे यहाँ देखिए y बराबर हम क्या लिखा हुआ है 3x - 3 देते हैं तो 3 अगुना x का मान क्या रखें 0, यहाँ मान 0 देंगे -3 तो 0 - 3 तो क्या हो जाएगा -3 मान आ गया ना। इसी तरह 1 रखिएगा तो 3 माइनस क्या आ जाएगा 3 = 0, तो 1 रखिएगा तो 0 और आप 0 रखिएगा तो -3। ये दोनों डाटा निकल गया, अब इसका हम क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ जो हम खींचे हैं तो पहले ग्राफ खींचने से पहले हम आपको पिछले वीडियो में भी यदि हमारा ग्राफ वाला वीडियो पिछले यूनिट का देखे होंगे तो ये रिविजन चल रहा है, क्योंकि ये जो ऐच्छिक है ऐच्छिक जो होता है आप लोग का जो भी एक्सरसाइज ऐच्छिक का होता है वो होता है आपका जो टोटल इससे पिछले यूनिट में जो है ना आप पिछले जितने यूनिट पर हैं 3 से 3.1, 2, 3, 4 ये सब का रिवीजन होता है ऐच्छिक, वही है इसका रिवीजन आप कर रहे हैं। यहाँ देखिए आपको बताए हुए ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जो है तो वो ले लेते हैं दोनों साइड जो अपना डाटा देकर, और उसको क्या कहते हैं जो बिंदु मिलता है उसको क्या करते हैं मिला देते हैं स्केल से। वही किए हैं देखिए यहाँ आपको डाटा जो दिया हुआ है डाटा ये यहाँ देखिए दिया हुआ है आपको क्या, एक आया है 0 - 5 और 1 और 0, एक आया है आपको 0 और -5 और एक आया है 1 और 0, यही है ना फर्स्ट यूनिट अति से 1 और 0 है और दूसरा क्या है 0 और -5 0 और -5 और 1 और 0। यहाँ देखिए 0 और -5 जो इस पर दर्शाइएगा, 0 और -5 कहाँ दर्शाएगा 0 और -5, ये पॉइंट मिलेगा ना ये पॉइंट और दूसरा क्या है 1 और 0, 1 और 0 ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे स्केल से हम मिला देंगे, स्केल से क्या करेंगे हम मिला देंगे। तो ये रेखा फर्स्ट समीकरण के लिए आ गया, समीकरण फर्स्ट है और समीकरण फर्स्ट से जो है उस पर समीकरण फर्स्ट देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं। जब भी आप डाटा ड्रॉ कीजिएगा ना तो उस पर लिख देना है जो आपका ये जो ग्राफ आप खींचे हैं तो किस समीकरण से है, समीकरण यदि फर्स्ट से है तो समीकरण फर्स्ट को उस स्केल से जो खींचे हुए हैं उस पर जो है आप लिख दीजिएगा जो समीकरण 1 का ये ग्राफ है।
इसी तरह समीकरण दो से हम करेंगे तो ये आएगा 3x-y=3, ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा, ये 0 और -3, इन दोनों को स्केल से क्या करेंगे हम रख के मिला देना है। ये जो दोनों आप मिला दीजिएगा तो ये आपको बनेगा 3 गो त्रिभुज। देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना, ये तीनों पॉइंट यहाँ लिख दिए हम, 0 और -3 आएगा, 1 0 आएगा, 0 और 0, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 और -5 आ रहा है, 0 और -5, ये तीनों निर्देशांक आपको यहाँ हो गया, यही तीनों निर्देशांक आपको था। अब देखिए इन त्रिभुज के से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए त्रिभुज का शीर्ष जो हम लिखे हैं निर्देशांक 0 और -3, एक क्या है 0 और -3 है, एक आपको 0 और -5 है, तीसरा क्या है 1 और 0 है। इसको आसानी से आप जो है यहाँ लिख दीजिए 0 और 1, 0 और -5 और 1 और 0, ये त्रिभुज पर दर्शा दिए हैं। अभी आपको बताए थे शुरू एक्सरसाइज हो किए होंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपको क्या होगा, ये आपको क्या करना है, आकलन करना है सूत्र से। ये फॉर्मूला आप लोग अभी से याद कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे प्रॉब्लम बोर्ड में भी पूछा जाता है। और ये निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 7 यूनिट पढ़िएगा, आपको यूनिट 7 जो पढ़िएगा आप लोग तो उसमें आपको पढ़ने के लिए है ये, तो उसको अभी ये देख लीजिए। यहाँ देखिए फॉर्मूला जो ये आपको x1 ये यहाँ से शुरू किया जाता है और इन दोनों का आगे का दोनों टर्म में बीच में माइनस करते हैं। देखिए y2 -y3, देखिए y2 -y3 है, x1 लिए हैं, अब नेक्स्ट टाइम चलिए x2, अब इसको छोड़ के आगे जो दो है ये और ये, इन दोनों में पार्ट y वाला लेना है, यानी कि y3 अब -y1। यहाँ देखिए y3 -y1 है ना, अब देखिए x1 ले लिया, x2 ले लिया, अब क्या लेना है, x3 लेना है, तीनों का पहला टर्म और नेक्स्ट आगे का जो है ऐसे घूमना है, यानी कि मान लीजिए घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे 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 घूम रही है ना घड़ी, हम घड़ी का क्या करेंगे विपरीत साइड एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी कि ये मान के चलना है जो आपको दाहिना घूमना है, समझे, उसमें राइट हैंड साइड जो है ना मूव करना है। यहाँ लेकर यहाँ देखिए x3 लिए हैं तो अब इन दोनों का लेंगे y1 -y2, y1 -y2, अब सब का मान दिया हुआ है, x1 का मान 0, y1 का मान -3, x2 का मान 0 और y2 का मान -5, x3 का 1 और y3 का 0, इन सब का मान यहाँ रख के यदि सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, यहाँ हल कीजिएगा इसको तो 0, यहाँ हल कीजिएगा इसको तो 0, इसको हल कीजिएगा तो 2, इन दोनों को कीजिएगा 1/2 और गुना ये आ जाएगा 2, तो हम मान लीजिए क्या आ गया 1 इकाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपसे पूछ रहा था ये क्या हो जाएगा, 1 इकाई, यही आपका आंसर निकालना था, ये क्वेश्चन नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म जो है आपको, इन ये जो युग्म दिया हुआ है इनको क्या करना है, हल करना है, इन रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, हल करते हैं। देखिए यहाँ आपको देना है विलोपन विधि से हल करेंगे, किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करेंगे। थोड़ा ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड सवाल है लेकिन ध्यान से देखिएगा और आसानी से समझ में आएगा। यहाँ देखिए समीकरण 1 में पी से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में क्यू से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में जो यदि हम पी से गुणा करेंगे और इसमें क्यू से गुणा करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा p²x + pqy = p²-pq बराबर आ जाएगा q³ q² x - pqy = pq+q² इन दोनों में क्या देखिए ये टर्म जो है पॉजिटिव निगेटिव में दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए प्लस किए हुए क्योंकि दोनों अपोजिट साइन पहले से था, अपोजिट साइन पहले से होता है तो क्या करते हैं प्लस करते हैं विलोपन विधि में, यदि अपोजिट साइन नहीं रहता है तो उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों टर्म कर रहे हैं तो एक्स ये इन दोनों में देखिए एक्स यदि कॉमन है तो कॉमन ले लिए और ये p² + q हो जाएगा q² = p² / q², तो x = क्या हो जाएगा p² + q² = p² + q² दोनों सेम है तो कट के क्या हो जाएगा 1, यानी कि एक्स का मान क्या निकल गया 1 निकल गया। अब देखिए एक्स का मान जो 1 निकला है तो हम लिख सकते हैं एक्स के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखना है समीकरण 1 जो आपको दिया हुआ ये है इसमें रखेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 1 रखना है। यहाँ देखिए समीकरण 1 को लिख दिए हैं, समीकरण 1 आपको ये हो गया 1 p × 1, यानी कि p तो p है, x का मान क्या रखना है 1 रखेंगे, q × y हो जाएगा p-q, qy = हो जाएगा p-q - p, तो दोनों p कट जाएगा q/q-1 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए x का मान 1 और y का मान 1, यही दोनों हमको निकालना था, समझ रहे बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का 2 नंबर, 7 का 2 नंबर देखिए ax + by = c और bx + ay = 1+c। थोड़ा जो है आसानी से देखिएगा, होता है कोई समीकरण ऐसा आ जाता है आपको यदि x या y का मान उसमें मान निकालिएगा और दूसरे समीकरण में रखिएगा तो बहुत जटिल हो जाता है और उसको सॉल्व करना
थोड़ा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए जो है ना इस बार में जो है ना ऑलरेडी से दो बार जो है ना प्लस माइनस करके उसको अलग अलग मान निकाल के और उसमें रख दिया गया, समझ रहे हैं, अलग से एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर, समीकरण 1 गुना 1 किए हैं, इसमें क्या किए हैं, ए से गुना किए हैं, और समीकरण 2 जो है इसमें बी से गुना किए, दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स ए बी वाई बराबर ए सी आ जाएगा। यहाँ देखिए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, ये आ जाएगा आपको बी प्लस बी सी। ये देखिए निगेटिव किए हैं माइनस, क्योंकि दोनों साइन क्या था सेम है, इसीलिए दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ से देखिए एक्स कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए सी, या माइनस बी माइनस बी सी, यहाँ ए सी आ जाएगा अब माइनस, इसको देखिए कॉस्ट में लीजिएगा बी या प्लस बी सी, तो ये आ जाएगा आपको ए सी माइनस बी या माइनस बी सी आ जाएगा, आ जाएगा ना ये आपको आ जाएगा दोनों, समझ रहे हैं, ये आ जाएगा आपको हल कीजिए। यहाँ देखिए एक्स बराबर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, ये जो है किस में है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, एक्स का मान ये आपको निकल गया। अब देखिए एक्स का जो ये मान इतना बड़ा आपको निकला है, इस मान को यदि समीकरण 1 या 2 में रखिएगा तो कितना जटिल हो जाएगा, बहुत जटिल हो जाएगा ना, बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व आसानी से नहीं हो पाएगा। हम क्या किए हैं जो समीकरण, अब जो जैसे एक्स को यहाँ वाई को विलुप्त किए थे, सेम उसी तरह जो है ना समीकरण 1 में b से और समीकरण 2 में a से गुणा करके हम क्या करेंगे, अब की बार वाई को विलुप्त करने की जगह अब की बार एक्स को करेंगे तो सेम उसी तरह निकल जाएगा। इसको मान रखने वाला काम यहाँ पे हम नहीं किए हैं, मान रखने वाला काम नहीं किए हैं, यहाँ जो है ना डायरेक्ट जैसे वाई को विलुप्त किए थे ना अब की बार एक्स को विलुप्त कर देते हैं। देखिए बी गुना 1 करेंगे और 2 में करेंगे ए से गुना, इन दोनों को गुना करेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी, या माइनस क्या हो जाएगा ए माइनस ए सी, यहाँ हो जाएगा आपको घटाने पर वाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया बराबर क्या आ जाएगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस ए सी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे वाई बराबर आ जाएगा आपको बी माइनस सी या माइनस ए माइनस ए सी, ये आ जाएगा आपको इधर देखिए लिख दिए, और ये जो गुना में है इसको इधर लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको थोड़ा जो है ना कैलकुलेशन किया गया है, इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए बी सी और माइनस ए सी, ए सी को क्या किया गया पहले लिखा गया और माइनस ए को बाद में लिखा गया, इन दोनों में देखिए क्या आएगा कॉमन बी सी या माइनस ए सी जो है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है आप दोनों को, इन दोनों को जो है ना ये है दोनों में आपको सी है कॉमन, सी यदि कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए आएगा, माइनस ए की है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, और यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ देखिए इन दोनों को की करेंगे इस दोनों को अलग अलग किए हैं तो सी माइनस बी माइनस ए बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बटा क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अलग अलग करने के लिए आप लोग जानते होंगे क्योंकि इसे पिछले वीडियो में भी हम कोई कोई किए हुए हैं। यहाँ देखिए इन दोनों को कीजिएगा, यहाँ देखिए इसको जो हल कीजिएगा तो नीचे वाला क्या हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा बी माइनस ए, एक ए और ये कट जाएगा तो सी बटा क्या बचेगा ए बी प्लस ए को क्या लिख सकते हैं बी प्लस ए को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए वाई प्लस बी हो जाएगा प्लस ए बटे, यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या किया माइनस कॉमन लिए, यहाँ देखिए यदि माइनस हम बाहर कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इन इनमें से यदि माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस को यहाँ कर दिया था ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों का यदि हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में जो है एक कटेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला आप लोग जानते होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना रे ए प्लस बी ए माइनस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये प्लस बी वाला क्या हो जाएगा कर जाएगा बचेगा क्या ए माइनस बी, तो वही तो लिखे हैं सी इंटू ए माइनस बी प्लस, ये तो आई आ जाएगा ये, अब आ जाएगा सी इंटू ए माइनस बी है माइनस बी आ जाएगा माइनस बी आप बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्स का मान, और ये जो नीचे निकाले हैं अभी वाई का ये आ जाएगा वाई बराबर आ जाएगा सी इंटू ए माइनस बी आप प्लस ए बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर, थोड़ा बड़ा है लेकिन आसानी से समझिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा जो क्या कैलकुलेशन किया गया है, समझ रहे बात को और आसानी से समझ में आ जाएगा, जिसको दिक्कत होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 का 3 नंबर, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, समीकरण 1 दिया हुआ है ये, समीकरण 2 दिया हुआ है, आप देखिए इसमें समीकरण 1 और 2 से एक्स बटे ए है माइनस वाई बटे बी बराबर क्या दिया 0, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको हल करते हैं हम, तो पहले हम क्या करेंगे समीकरण 1 जो दिया है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 1 को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों में जो सॉल्व कीजिएगा तो दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी आ जाएगा, इस टेस्ट में भाग दीजिएगा बी बचेगा बी गुना एक्स करेंगे तो बी एक्स होगा ना, बी इनका घटो कर रहे हैं एकदम आसानी से समझिए, बी से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा ए बचेगा, ए ए गुना वाई करेंगे तो ए वाई हो जाएगा बराबर 0, तो ए बी किस में है
भाग में इधर आके गुना जीरो में चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये समीकरण एक मानेंगे। अब ये जो दो दो दिया था उसको दो मान लेंगे। इन दोनों में देखिए आपको समीकरण एक गुना बी करेंगे, समीकरण एक गुना क्या करना है बी करेंगे, बी से गुना इसमें करेंगे और ए से गुना इसमें करेंगे। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए बी वाई बराबर जीरो, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इंटू वाई बराबर ए क्यू जोड़ ए बी स्क्वायर आ गया ना। अब देखिए एक्स यदि हम कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर आ जाएगा, ए इंटू एक्स ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए, एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, समझ गए। ये आ गया आपको एक्स बराबर ए। अब देखिए x के इस मान को समीकरण दो में रखना है, कहाँ रखना है समीकरण दो में रखने पर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ए गुना ए आ जाएगा प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ पे हम x था वहाँ क्या रखे हैं ए रखे हैं, जहाँ देखिए x था ना वहाँ ए रखे हुए हैं ना, इन दोनों को गुना करेंगे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी वाई, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। तो बी वाई बराबर हम लिख देंगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कट जाएगा, बच जाएगा क्या बी स्क्वायर। अब देखिए बी बराबर वाई बराबर हम लिखेंगे बी स्क्वायर बट ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो बी का वाई का मान क्या निकल गया बी निकल गया, अतः हम कह सकते हैं एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी, यही समीकरण का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 4 नंबर, यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन, देखिए ए एक्स ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, ए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर वन, ये ए ए प्लस बी और प्लस इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये समीकरण दो दिया हुआ है। समीकरण एक से देखिए हम क्या किए हैं, समीकरण एक आपको दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे उसको लिख देना है, समीकरण एक से हम इसको हल कर लेते हैं, सबको हल करेंगे तो ए गुना एक्स ए एक्स होगा, बी गुना वाई बी एक्स होगा, और इससे वाई से गुना करेंगे तो ए वाई जोड़ ए बी वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये लिख दिया समीकरण तीन आ गया। अब देखिए इसको हल कर लिए हैं ये आ गया, और इसको अब हल करेंगे, समझ रहे हैं। समीकरण दो से देखिए समीकरण दो को जो हल कीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इन दोनों को गुना करेंगे तो ए एक्स ए वाई बी वो एक्स बी वाई, इन दोनों को हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। अब तीन और चार पर हम काम करेंगे, समीकरण तीन माइनस चार से करते हैं, देखिए समीकरण तीन माइनस यदि चार से करेंगे तो ए एक्स जो समीकरण दिया हुआ उसको लिख दिया, समीकरण तीन और समीकरण चार दोनों को लिख कर, और देखिए साइन क्या होगा माइनस किए हुए हैं, माइनस याद रखिएगा माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो साइन नीचे वाला का क्या होगा सबका चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, इसी तरह जो पॉजिटिव नेगेटिव है सब क्या हो गया कट गया। अब देखिए बच क्या रहा है, यहाँ सिर्फ बचेगा आपको माइनस बी एक्स और माइनस प्लस में बी एक्स, दोनों क्या हो जाएगा यहाँ प्लस में नहीं, ये माइनस हो गया ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ देखिए एक क्या में माइनस में, एक माइनस में हो गया आपको एक ऑलरेडी माइनस में था, माइनस माइनस प्लस होता है टू बी एक्स हो जाएगा बराबर, इधर हल कीजिएगा तो माइनस टू ए बी और माइनस टू बी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों में टू बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा ना, इधर से टू बी दोनों में कॉमन ले लेंगे, इधर टू बी क्या हो जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स का मान आ गया आपको एक्स ए प्लस बी, यानी कि एक्स का मान हमको क्या निकल गया ए प्लस बी निकल गया। अब देखिए एक्स का इस मान को हम क्या करेंगे, एक्स के इस मान को समीकरण तीन में रखेंगे, कहाँ रखना है समीकरण तीन में रखेंगे, समीकरण तीन को यहाँ देखिए हम लिख दिए ना, जहाँ पे हमको रखना है एक्स, यहाँ देखिए एक्स जहाँ है वहाँ क्या रखें ए प्लस बी, जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखें ए प्लस बी रखें, दोनों जगह देखिए यहाँ भी और यहाँ भी ए प्लस बी रखे हुए। अब देखिए हल कीजिएगा इसको, ए स्क्वायर प्लस ए बी आएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा आपको ए वाई प्लस बी वाई, इधर से देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोनों साइड देखिए सेम क्वांटिटी है माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों बगल यानी बराबर के इस साइड और उस साइड सेम है और साइन भी सेम है, तो क्या हो जाता है कट जाता है, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, इधर से ये कटेगा ये कटेगा और ये कटेगा ये कटेगा, चारों कट गया पॉइंट बच गया क्या आपको ए प्लस बी, इन दोनों में से क्या करेंगे हम यदि वाई कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा ना, तो वाई बराबर ए वाई इंटू ए प्लस बी आ जाएगा बराबर बचा है माइनस टू ए बी, वाई का मान यहाँ निकल गया आपको माइनस टू ए बी बटा ए प्लस बी, था ए का मान ये एक्स का मान ये और वाई का मान ये, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए बात को। थोड़ा सा ध्यान को जो है कंसंट्रेट करके कीजिएगा, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है आप लोग का, बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा भाग एकदम ठोस होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 का 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए आपको दिया हुआ है जो 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74, 378 माइनस में है x प्लस 1 52y बराबर दिया हुआ है माइनस
यानी कि 604, ये आपका समीकरण एक और दो है। यहाँ देखिए थोड़ा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड जो है दे दिया है, और इसको भी आसानी से हम कर लेंगे। और इसको ध्यान से देखिए, देखिए समीकरण 152 में, समीकरण में 152 को क्या मान लेते हैं, ए 378 को क्या मानेंगे अभी, तो समीकरण आपको बन जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई बराबर माइनस 6 होता है समीकरण 3। समीकरण दूसरा को कीजिएगा तो माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए वाई बराबर क्या हो जाएगा 600 माइनस 604, समीकरण 4। अब देखिए समीकरण एक में गुना करेंगे हम ए से, समीकरण बी में गुना करेंगे बी से, विलोपन विधि से हल करना है, एकदम आसानी से हो जाएगा। यहाँ देखिए आ जाएगा आपको ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर आ जाएगा माइनस 74 ए, इधर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर माइनस 604 बी। तो ये आ जाएगा दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर, इन दोनों को हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको माइनस 74 ए बराबर माइनस 104 604 बी। अब बटा ये जो है किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको मान समीकरण 5, समझ रहे हैं। अब देखिए अब जो है समीकरण 5 में ए और बी का मान, ए और बी का जो मान यहाँ रखे हुए हैं हम माने हैं नहीं ए और बी का मान, अब ए और बी के फॉर्म में हमको निकल गया, ए और बी का मान ए के जगह 152 बी के जगह 378 रखना है। अब देखिए यहाँ जो ए का मान क्या रखे हैं 152 और बी का मान 378, इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा। इन दोनों में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए और बी का मान रख कर तो ये आ जाएगा 530, इसको हल कीजिएगा तो माइनस 226, इसको हल करिएगा काटिएगा इसको तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। एक्स के इस मान को, एक्स का मान कितना आया 2 आया, एक्स के इस मान को समीकरण एक में रखेंगे, कहाँ रखना है समीकरण एक में रखने पर ये आ जाएगा आपको जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 2, यहाँ 2 रखे हैं ना, अब आ जाएगा ये आपको वाई का मान, समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो वाई बराबर आ जाएगा 300 माइनस 378 वाई बराबर माइनस 74, ये पॉजिटिव में है। देखिए इस 378 जो ये हल कीजिएगा तो क्या आ जा रहा है 378, ये जो है पॉजिटिव में है, इधर ये आ जाएगा आपको निगेटिव। यहाँ देखिए पेज नंबर 2 बार तो नहीं लिखा गया है, यहाँ देखिए y का मान आ जाएगा आपको 74 माइनस ये 304, 378 वाला y है, इन दोनों को जो है हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 304, कौन चीज़ में आएगा माइन पॉजिटिव में, पॉजिटिव को इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा निगेटिव, तो माइनस 304 कर दिए बराबर आ जाएगा माइनस 378 बराबर माइनस 378 वाई बराबर 1, तो ये मान आ गया आपको x का 2 और y का 1, यही निकालना था, समझ रहे बात को। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं, देखिए 8 नंबर का लास्ट सवाल है ये देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको ABCD क्या है चक्रीय चतुर्भुज, ABCD क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, देखिए आकृति आपको ये आकृति खींचा हुआ है 7.3, इसको आकृति का नाम दे दीजिए 7.3, आकृति 7.3 ये आपको दिया हुआ है। इसमें देखिए सॉरी इस आकृति में कर आपको चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना चतुर्भुज का कोण, आप लोग थ्योरी के रूप में याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज का जो आमने सामने का कोण यानी कि कोण बी और कोण डी इन दोनों का योग क्या होगा 180 होगा, और कोण ए और कोण बी बराबर कोण सी इन दोनों का योग कीजिएगा तो क्या होगा 180 होगा, ये थ्योरी के रूप में आप लोग याद रखिएगा। जो चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, उसको देखिए लिख भी दिया है। यहाँ देखिए गिवन ए बराबर आपको ये दिया हुआ है, बी बराबर ऊपर फिगर में है बी बराबर ये, सी बराबर माइनस 4 और डी बराबर ये याद रखना ये लाइन को आप लोगों को, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए इन दोनों का योग हम करेंगे ए और सी का क्या होगा 180, और ए और सी का मान रख दीजिए वाई प्लस बी माइनस 4x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये समीकरण बन जाएगा आपको माइनस 4x प्लस 4y बराबर 180 डिग्री, और इसमें से माइनस 4x प्लस 4y बराबर 160, ये समीकरण आपको एक बन जाएगा। पुनः देखिए दूसरा समीकरण जो बनेगा कोण बी जो और कोण डी यानी कि जगह यह चतुर्भुज जो भी अंदर में बन रहा है तो ये जो सामने का ये और दो कैसे बनेगा ना इन दोनों का योग और इन दोनों का योग अलग अलग, तो कोण बी जो और कोण डी दोनों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों का मान दिया हुआ है दोनों का मान रखेंगे और 5 5 प्लस में माइनस में कर जाएगा 3y-7x बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2 आ गया। और समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 हम लिख दिए हैं विलोपन विधि से, समीकरण 1 × 3 और 2 × 4 दोनों को कीजिएगा तो ये आप y वाला टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव, या माइनस किए हैं तो ये पॉजिटिव में ये निगेटिव कर देंगे दोनों मान y बराबर आ गया कट जाएगा, और x का मान 16x बराबर क्या हो जाएगा इसको हल कीजिएगा तो माइनस 240, एक्स का मान आ जाएगा 15,
समझ रहे बात को। एक्स के इस मान को समीकरण कहाँ रखना है, एक में रखने पर। समीकरण एक में रखेंगे तो माइनस चार एक्स प्लस चार वाई बराबर 160, माइनस चार गुना एक्स का मान क्या रखना है, माइनस 15। ये जो निकला है प्लस चार वाई बराबर 160, अब 60 हो गया, 60 पॉजिटिव में इधर आके क्या होगा, निगेटिव होगा, घटा देंगे और एक्स का मान आ जाएगा आपको, वाई का मान क्या हो जाएगा 100/4 बराबर 25। अब हम सब मान निकाल सकते हैं, 4y + 20y का मान 25 है, 25 चौका 100 + 20 क्या हो जाएगा 120, 3y - 5 3 × y का मान 25 किया 75 - 5 70 डिग्री, -4x, x का मान कितना आया था -15, -15 + 15 = 7 और d का मान आ जाएगा 7x + 5, ये आ जाएगा आपको +5 110 डिग्री, ये आ गया आपको टोटल आंसर। समझ रहे हैं आप, जो है आपको इसको ध्यान में रखना है, समझ गए। ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, अब हम चलेंगे नेक्स्ट यूनिट जो आपका द्विघात समीकरण, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका द्विघात समीकरण जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, इस पर वीडियो बनेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, टोटली मैथ का क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन प्लस आंसर प्लस थ्योरी जो भी होना चाहिए सब इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराए, जिंदगी में सुख और दुख आते रहेगा और उसको झेलते हुए इस जिंदगी को जीना है, लेकिन फिर भी यदि पढ़ाई कीजिएगा तो आप लोग का जिंदगी बहुत सरल और आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।